कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों के परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपए प्रति माह देने की मांग की। देश भर में कांग्रेस पार्टी का स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चला। प्रवासी मजदूरों की चिंता पर कई मांग केंद्र से की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमने अब सभी राज्यों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू कर दी। कोरोना संकट के बाद कोलकाता भी जुड़ा एयरलाइंस मैप में। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन झारखंड अधिविद्य परिषद ने शुरू कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्रों को दी बधाई। कहा, आपने प्रवासियों को झारखंड भेजकर किया नेक काम। प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर मेधा पाटकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा मामले पर सुनवाई शुरू की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय में सोलिसिटर जनरल सुशांत मेहता ने कहा, 90 लाख प्रवासी मजदूर पहुंचे घर, जिसमें से 80% बिहार और उत्तर प्रदेश से। विश्व की सबसे बड़ी विमानन कंपनी बोइंग ने 12,000 कर्मियों को काम से हटाया, अन्य कड़े फैसले की चेतावनी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा, कोरोना संकट के समय पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किया, कोरोना योद्धाओं को पार्टी की तरफ से धन्यवाद पत्र दिया गया। कोविड-19 जैसे लक्षण दिखने पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का निरीक्षण किया। विदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी, हरियाणा सरकार का आदेश। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,000 के पार हुई। रेलवे मंत्रालय ने कहा, एक झूठी अफवाह में दावा किया जा रहा है कि सूरत से छपरा जाने वाली ट्रेन 9 दिन में बेंगलुरु पहुंची। सच्चाई यह है कि सूरत व छपरा के बीच कोई ट्रेन नहीं चली। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe, Asian Paints.